बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको स्टीम करके शकरकंदी बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनती है। बेक वाली भी मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। शकरकंदी ले लेनी है, सबसे पहले उसको आपने प्रिक कर लेना है फोक के साथ, ताकि अंदर तक इसके होल्स हो जाएं और इजीली ये स्टीम हो सके। आपने क्या करना है, एक फॉइल पेपर ले लेना और इसको अच्छी तरह से फॉइल पेपर के साथ रैप कर देना है। मैं आपको बेक करके शकरकंदी भी बनाना सिखा चुकी हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है वो भी, और सिंगारे भी बनाना सिखा चुकी हूँ बहुत ही ईजी वे से, और बहुत ही बिल्कुल ऐसे जैसे आपने मार्केट से खरीदी हो। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप उसको लाजमी देखिएगा। ये देखिए, जो सारी हमारी शकरकंदी थी इसको फॉइल पेपर के साथ अच्छी तरह से रैप कर दिया। और दूसरी तरफ मैं आपको विदाउट फॉइल पेपर भी सिखा देती हूँ, जिनके पास फॉइल पेपर ना अवेलेबल उनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। इसी तरह से आपने इसको अच्छी तरह से प्रिक कर लेना है, प्रिक आपने लाजमी करना है। पानी ऑलरेडी मैंने रख दिया था बॉयल होने के लिए, इसके अंदर एक स्ट्रेनर रख देंगे जो भी आपके पास अवेलेबल हो, और इसके अंदर ये जो हमारी शकरकंदी थी फॉइल पेपर में जो हमने रखी थी उसको हमने रैप की हुई, जो हमारी शकरकंदी थी उसको हमने रख दिया, और इसको कवर कर देंगे और कुक होने देंगे तकरीबन 45 मिनट्स के लिए। फ्लेम आपने मीडियम टू लो कर देनी है। ये देखिए जी, 45 मिनट्स हो चुके हैं। ज़बरदस्त थी हमारी जो शकरकंदी थी वो बिल्कुल स्टीम हो चुकी हैं। अब मैं आपको चेक करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए जी, ये देखिए बिल्कुल इजीली फोक इसके अंदर जा रही है, बिल्कुल ज़बरदस्त थी ये हमारी स्टीम हो चुकी है अंदर तक। 45 मिनट्स के लिए हमने जो हमारी दूसरी थी विदाउट फॉइल पेपर उसको भी इसी तरह से स्टीम कर लिया है। फॉइल पेपर से क्या होता है कि जो इसकी स्टीम होती है उसका जो पानी के छोटे मोटे ज़रात होते हैं वो भी इसके अंदर नहीं जाते, तो वो बहुत ज़बरदस्त स्टीम हो जाती है। अगर फॉइल पेपर ना हो तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये देखिए, स्किन हमने इसकी रिमूव कर लिया, मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखा देती हूँ। ज़बरदस्त सी दोनों हमारी तैयार हैं। अब ये इमली की चटनी और खुरमानी की चटनी मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप इसको लास्ट में इसके ऊपर सर्विंग के टाइम डालिए। बहुत ही टेस्टी ज़बरदस्त मैंने आपको बनाना सिखाई है, इसको भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा इसके ऊपर हम डालेंगे चाट मसाला, और प्रेजेंटेबल इसको बनाने के लिए थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हम डालेंगे इसके ऊपर पुदीना, ताकि ये प्रेजेंटेबल लगे। इसके ऊपर स्टिक्स लगाएंगे और इसको सर्व करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और डिलीशियस, आप एक बार इसको ट्राई करेंगे तो आप इसको बार बार इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। मैं आपको ट्राई करके भी बताती हूँ। वाह, ज़बरदस्त बनाइए, एंजॉय कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।